जब भी आप कोई साइकिल चलाते हैं, सार्म चलाते हैं या कोई भी माइंड रोल चलाते हैं, मतलब जो भी स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं जब वो आप चलाते हैं, आपका लेवल डिसाइड करता है पहले आप क्या चीज़ चलाना चाहते हैं। पर अगर आप ये स्ट्रॉन्ग चीज़ें चलाते हैं तो आपको ज़रूर ये जानना चाहिए कि आपको इसके साथ सप्लीमेंट्स क्या रखने हैं। तो सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं यहाँ पे। देखो डाइट तो इंपॉर्टेंट है, डाइट तो सबसे पहले है, पर सप्लीमेंट भी बहुत बढ़िया रोल प्ले करेंगे अगर आपको नॉलेज हो कैसे और गेनिंग में क्या क्या सप्लीमेंट लेने हैं जब आप साइकिल सार या जो भी स्ट्रॉन्ग चीजें जब चलाते हो तो उनके साथ क्या सप्लीमेंट चलते हैं। तो ये वीडियो एंड तक देखिए, आपको मैं सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। सप्लीमेंट्स कैसे कैसे चलेंगे ये सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी, स्किप ना करें, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको बताता हूं गेनिंग के लिए, जब हम मोस्टली ये चीजें मैं कहूंगा जब हम हार्ड मसल गेन करते हैं, लीन मसल गेन करते हैं, या गेनिंग की जब हमारा ऑफ सीजन होता है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो कंपटीशन से एक दो महीने पहले की तैयारी, वो वाली बात नहीं चल रही अभी। अभी चल रही है बढ़िया मसल गेन करना, साइज गेन करना, डोले का साइज, बाइसेप साइज इंक्रीज करना, हैवी होना, लीन हार्ड मसल गेन करके हैवी होना, ठीक है। तो उसके साथ क्या क्या सप्लीमेंट चलेंगे, बढ़िया डाइट के साथ जो सप्लीमेंट है जब आप सांग और साइकल्स और तीसरे जो माइंड रोल या और भी जो भी चीज़ें हैं जो स्ट्रांग है उनसे बेनिफिट लेना चाहते हो, तो सबसे पहले ये चीज नोट कर लीजिए, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट फॉर्म आपने जरूर लेनी है। वे प्रोटीन बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है जब भी आप गेनिंग, हार्ड मसल गेनिंग करना चाहते हैं, लीन मसल गेनिंग करना चाहते हैं, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट बहुत जरूरी है उस टाइम। देखो डाइट तो जो हमारी घर की डाइट है और वहां से आप प्रोटीन लोगे, कॉम्प्लेक्स कार्ब लोगे, जैसे भी गुड फैट वगैरह सारे मैनेज करने हैं, वो तो करने ही है, पर सप्लीमेंट की जरूरत तब पड़ जाती है जब आपका वर्कआउट बहुत बढ़िया चल रहा हो और जब आपके रिजल्ट, जो आपके गोल्स हैं वो बड़े हों। जैसे आप हार्ड मसल गेन करना चाहते हो, जैसे मंथ में 5 kg गेन करना है वो भी लीन मास मसल, वैसे वैसे करके अगर आपके टारगेट हैं तो आपको वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट जो है मैं कहूँगा, रिकमेंड कर रहा हूँ मैं, आप ज़रूर लें, वो किसी भी कंपनी का लें, बढ़िया लें, ठीक है। जब प्रोटीन जाएगा हमारे में, वे प्रोटीन जब हम यूज़ करेंगे, जब हमारी बॉडी में प्रोटीन जाएगा वो उसी से मसल बिल्ड होंगे, ठीक है। नेचुरल डाइट अपनी जगह है, प्रोटीन हमें, वे प्रोटीन कब चाहिए, वर्कआउट के तुरंत बाद, तो वो हमें बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे मसल बढ़िया रिकवर हो सके, जो मसल ब्रेकडाउन हुआ है जिम में वो अच्छे तरीके से रिकवर हो जाए, मसल टेयर जो है रिपेयर होगा वो मसल बड़ा होगा, तो उसके लिए प्रोटीन चाहिए, अमीनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट होनी चाहिए। वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट फॉर्म ज़रूर लें, वे प्रोटीन आइसोलेट नहीं लेना, वो उसके टारगेट कुछ और हैं, पर वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। सेकंड चीज़ जो सप्लीमेंट है वो है क्रेटीन। क्रेटीन बहुत ज़्यादा बढ़िया सप्लीमेंट है जब आप गेनिंग करते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि कटिंग में इसको यूज़ करें, मेन जो इसका रोल है वो गेनिंग में ही है। गेनिंग में ये बहुत बढ़िया गेनिंग करता है अगर इसके साथ प्रोटीन अच्छा चला जाए, आपकी डाइट बढ़िया होनी चाहिए और वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट अगर साथ में चला रहे हैं तब क्रेटीन चलाएं। जो लड़के मुझे पूछते हैं कि क्रेटीन अकेला चला लें हम, ठीक है, तो नहीं भाई मत चलाइए क्रेटीन अकेला, सिस्टम पे हार्श होगा, इवन आपको जो बेनिफिट मिलने हैं वो भी नहीं मिलेंगे, साइड इफेक्ट ज़्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि वे जो क्रेटीन है वो काम करता है प्रोटीन सिंथेसिस पे, नाइट्रोजन रिटेंशन पे काम करता है। उसका बढ़िया काम, बढ़िया फंक्शन तभी होती है जब हम ज़्यादा प्रोटीन ले लो, ज़्यादा का मतलब अपनी बॉडी वेट के हिसाब से, पर जब हम बढ़िया प्रोटीन इनटेक रखेंगे डाइट से, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट से, तब हमें जो है क्रेटीन की ज़रूरत है। वो नेक्स्ट सप्लीमेंट है, सेकंड नंबर का सप्लीमेंट है वो गेनिंग के टाइम, ना कि फर्स्ट। आप सोचें कि क्रेटीन से ही गेनिंग कर लूँ, तो नहीं भाई, वो आपके सिस्टम पे ही लोड बढ़ाएगा, आपको बेनिफिट नहीं देने वाला। अब क्रेटीन की वर्किंग कैसी होगी मैं बता देता हूँ। क्रेटीन जो है, देखो हमारी, हम वर्कआउट करते हैं हमें क्या चाहिए एनर्जी के लिए, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो जब हम वर्कआउट करते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ब्रेक डाउन होता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में, एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। क्रेटीन जो है, क्रेटीन होल्ड करता है फॉस्फेट को, क्रेटीन फॉस्फेट होता है, तो फॉस्फेट जो है वो जाके अटैच हो जाता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में और वापस एटीपी बन जाता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और फिर से वो एनर्जी रिलीज करता है। तो ये इसका प्रोसेस है। तो क्रेटीन कैसे काम करता है, कैसे स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, कैसे स्टैमिना बढ़ा देता है, ये सारी चीज़ें क्रेटीन का, ये जो मैंने अभी साइकिल बताई यही है इसका मेन जो है, इसके पीछे साइंस वो यही चीज़ है। अच्छा, क्रेटीन पर काम करेगा प्रोटीन सिंथेसिस पे, मसल बिल्ड उसके तभी होंगे जब वो अच्छा नाइट्रोजन रिटेंशन कर पाएगा। नाइट्रोजन मतलब कि हम जब अच्छी डाइट रखेंगे, हमारा प्रोटीन इंटेक बढ़िया होगा, तभी हम बढ़िया उससे गेनिंग कर पाएंगे। अब ये कहते हैं क्रेटीन को कैसे करना है, मतलब पहले 6 से 7 दिन उसकी लोडिंग करनी है। लोडिंग बहुत ज़रूरी होती है फ्रेंड्स, लोडिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि
क्रिएटिन के बेस्ट रिजल्ट मिलने तभी शुरू होते हैं जब बॉडी सैचुरेट हो जाती है उससे, ठीक है, सैचुरेट होगी उसके बाद बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप नॉर्मली 3-5 ग्राम का स्कूप डेली ले रहे हैं, लोडिंग नहीं कर रहे, तो पहले वो बॉडी सैचुरेट होगी, लोड होगा अच्छे तरीके से, फिर उसके रिजल्ट मिलने शुरू होंगे। इसीलिए अगर क्रिएटिन के जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आपको लोडिंग करनी है 6-7 दिन की लोडिंग, जिसमें 3 ग्राम का अगर स्कूप है 5-6 बार लें पूरे दिन में, डिवाइड करके 3-3 घंटे के डिवाइड करके 3-3 ग्राम करके ऐसे 18-20 ग्राम आपका क्रिएटिन बन जाएगा। फिर 8वें दिन से आपने जो है उसको पोस्ट वर्कआउट में सिर्फ एक स्कूप लेना है पोस्ट वर्कआउट में, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट के साथ क्रिएटिन का एक स्कूप जो 3-5 ग्राम होगा, बस गेनिंग बहुत बढ़िया हो जाएगी। अगर क्रिएटिन नेचुरल डाइट से लेना है तो वैसे उसके सोर्सेज हैं, मीट हो गया, चिकन हो गया, एग हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स में भी क्रिएटिन होता है, पर इतना नहीं मिलता क्योंकि हमारा वर्कआउट ज़्यादा है, जिम बढ़िया लगा रहे हैं, तो जो क्रिएटिन हमें चाहिए उतना नहीं मिल पाता। अगर लेना है उतना क्रिएटिन हमने अपनी डाइट से लेना है तो आपको बहुत ज़्यादा फूड कंज्यूम करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आपको सप्लीमेंट ऐड कर लें, क्रिएटिन तो आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में ग्लूटामाइन, एल-कार्निटाइन और भी जो सप्लीमेंट्स हैं, सप्लीमेंट्स अच्छे तरीके से, फिश ऑयल सारे ही डिस्कस करने वाला हूँ, मल्टीविटामिन। तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें चैनल को और सब्सक्राइब करें चैनल को। और कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिख दें, वीडियो जल्दी से जल्दी बन के आएगी इसके। लव यू फ्रेंड्स, बाय।